Hello everyone welcome इंक्वायरी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं बट इससे पहले कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की होती हैं तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि बहुत ही आसान वे में लिखी हुई है इसे हम समझ सकते हैं देखें एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड आर डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एग्जाम्पल डी वाई अपॉन डी एक्स तो जो यहाँ पे y होता है वो तो हम जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड जो x होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ओके okay? तो इसे हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनी हुई होती है उसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी टू टाइप्स की होती हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी कभी कभी शॉर्ट uh, में ओ डी भी लिखी हुई होती है एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पीडीई लिखी होती है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसकी भी एक सिंपल डेफिनेशन है, ये है हम समझ सकते हैं डिफ्रेंशियल इक्वेसन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ये वाला हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमारा एक्स वो ओनली एक होना चाहिए वो वाई भी हो सकता है वो जेड भी वाई भी हो सकता है जेड भी हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है बट वो सिंगल होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल ए है यहाँ पे हमारा डी वे अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड एग्जाम्पल नंबर बी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सैके एक्स एंड एग्जाम्पल सी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूड ऑफ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ़ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो इन तीनों एग्जाम्पल में एक कॉमन चीज है कि यहाँ पर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सब में मतलब एक ही है आ, इसमें भी एक्स है और इसमें भी हर जगह एक्स ही है ओके एंड uh, अब हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी भी एक डेफिनेशन है, है जो कि बहुत ही सिंपल सी है और डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल कॉफिशियंट्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं डेल यू अपन डेल एक्स इज इक्वल्स टू के डेल यू अपन डेल वाई एंड एग्जाम्पल बी है डेल स्क्वायर यू ऑपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे देखिए हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है एंड यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो गया और यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है यहाँ पे जेड है तो क्या है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिसे आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में Uh, मतलब डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड करते हैं ये है तो पहले ऑर्डर समझ लेते हैं क्या होता है द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियट विच अकर्स इन इट मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ हमें हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियंट का पता लगाना है जैसे कि ये हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब तो यहाँ पे uh, कौन सा हाईएस्ट मतलब डिफरेंशियल कॉफिशियट है जैसे कि हम आपको समझाते हैं जैसे कि ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है ये यह हमारा यहाँ पे फर्स्ट uh, हो गया इसका हम कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हो गया एंड ये जो हमारा सेकेंड हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर का एंड ये जो हमारा नेक्स्ट है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ये हमारा हो गया uh, मतलब थर्ड ऑर्डर का ओके okay? तो यहाँ पर जैसे कि हम सबसे हाईएस्ट का पता लगाना है तो सब ये तो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया तो ये तो हम लेंगे नहीं ये वाला ले लेंगे ओके okay? तो बस सबसे हाईएस्ट हमें क्या लेना है हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियट तो हाईएस्ट यहाँ पे हमारा सेकेंड है तो बस यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा कि हेयर ऑर्डर इज़ ट्रू हेयर ऑर्डर इज़ टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू वन ब्रैकेट वन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर थ्री बाई टू ओके तो यहाँ पे हमारा हाइएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियंट कौन सा ये, uh, है ये फर्स्ट वाला तो इसका ऑर्डर कितना है टू क्योंकि ये टू ऑर्डर का है ये हम पहले ही बता चुके हैं सेकेंड ऑर्डर का तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ऑर्डर जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर इज टू ओके ये हमारा आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल uh, चॉइस में आते हैं जहाँ पे आपको आंसर दिए होते हैं चूज़ करने होप ये आपको समझ में आ गया होगा uh, चलिए अब डिग्री के बारे में जानते हैं डिग्री क्या होती है द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री ऑफ़ द हाइस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियट विच अकर्स इन इट कहने का मतलब ये है कि डिग्री हम उसी की लेते हैं जिसका ऑर्डर uh, मतलब सबसे ज़्यादा होता है मतलब जो हमारा हाइस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियंट होता है ये जो हम ऊपर चूज कर चुके हैं उसी की पावर लेनी है मतलब इसका सेकेंड स्टेप है ये ओके okay? तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें इसकी डिग्री फाइन करनी है तो इसको हम सॉल्व करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इसकी होल पावर हो जाएगी थ्री बाई टू अब पहले तो हमें हाइएस्ट डिफ्रेंशियल कॉफिशियंट चूज करना है ओके Uh, तो यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे रूट है और यहाँ पर uh, हमारा हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियंट है तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ओके बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है रो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इन टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा एंड ये जो यहाँ पे हमारा बचा वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल ऑफ़ स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी क्यूब क्योंकि ये क्यूब हो गया ओके okay? तो अब यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल uh, कॉफिशेंट कौन सा है ये ये वाला है ओके okay? तो इसका ऑर्डर क्या है टू एंड हम आपको डेफिनेशन में बता चुके हैं कि डिग्री उसी की लेते हैं जिसका ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होता है तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का तो हमारा ये है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसकी डिग्री तो हम ले ही नहीं सकते और इसी की पावर कितनी है टू है तो यहाँ पर जो हमारी डिग्री है वो हमारी हो जाएगी टू ओके डिग्री इज इक्वल्स टू टू ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप लर्निंग